बीते दिनी कपूरथला दे डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल वालों पराली साड़न नूं लै के किसानां खिलाफ़ कार्रवाई करन दे आदेश जारी किए जाते हैं, जिसने ये गल कही जाती है कि अगर कोई किसान भरा इसके पासपोर्ट की वेरीफिकेशन नहीं की जाएगी और ना ही उसनूं कोई असला संबंधी लाइसेंस जारी किया जाएगा और ना ही कोई पंजाब ते केंद्रीय सरकार लाभ दिता जाएगा, उस किसान उपर बनती कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तो बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल के इन आदेशों लैके नारेबाजी करके अते पुतला फूक रोस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिला प्रधान श्रवण सिंह बाऊपुर ने कहा कि वह कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर के इस जबरी फरमान तो बेहद निराश हैं। बाऊपुर ने कहा कि पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वालों एक गल आखी जाती है कि असी किसानों के नाल हर पक्षों हमदर्दी वरत रहे हाँ, पर वो डिप्टी कमिश्नर के इस बयान ने यह साबित कर दिता है कि यह सब सरकार अते प्रशासन की मिली भुगत है। के टी वी पंजाब लई के एस कोड़ा की विशेष रिपोर्ट। की नाम है ते आज साडे वल्लों प्रदर्शन किया गया है, की कारण है प्रदर्शन का ते किहदा पुतला फूकिया गया है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरवण सिंह बाऊपुर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिला कपूरथले का प्रधान जी, जो अज पुतला फूकिया। की नाम है ते आज साडे वल्लों प्रदर्शन किया गया है, की कारण है प्रदर्शन का ते किहदा पुतला फूकिया गया है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरवण सिंह बाऊपुर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिला कपूरथले का प्रधान जी, जो अज पुतला फूकिया। हैरानगी भी आती आ ते मजबूरियां भी आ। पुतला फूकिया डीसी कपूरथले का, उन्होंने पिछलिया दिनों दे विच कल परसों एक अखबारों दे विच बयान दिते आ, ऐलान कीते आ कि जिहड़े सैकड़े पिंडां दे विच पिछली बार अगां लगियां पराली दी, उन्हां पिंडां दे उत्ते निगरानी रखो अफसरां नूं कहा। ते असीं इह कहना चाहुंदे आ वी अफसर जिहड़े लोकां दी सुरक्षा वास्ते हुंदे आ हमेशा, ते इह सुरक्षा नहीं करदे, दबका रहे लोकां नूं। 6% धुआं जिहड़ा पराली दा, असीं इह गल कहनी चाहुंदे आ वी असीं पराली नूं अग ते लाउंदे ही नहीं किसे कीमत ते वी, पर असीं इह गल आंदे आ वी पराली दा कुछ ना कुछ दिओ तुसीं सानूं। जे अभी जथेबंदियां ने 7000 रुपया मंगया किले का, तो इन्हों नू कुछ ना कुछ लोगों नू देना चाहिए। जे तुसी जबर करोगे तो हमेशा सबर दे नाल मुकाबला पिछे लंबे समय से साडा समाज करता आ, तो जबर का मुकाबला सबर ना करांगे। अभी डीसी नू कहना चाहुंदे कि आपके शब्द वापस लै गए, तो लोगों के विच आपके जिहड़े मुलाजमां दा, मैं 10000 मुलाजम भगवंत मान दी सरकार आंदी अहीं छड्डिया कि यह कोई पाकिस्तान की धरती नहीं थी, ये पंजाब आ, उन्हां लोकां दी धरती जिन्होंने आपके लहू पसीने सिंज के कमाइया करके इन्हां भुखे लोगों का ढिड भरिया। तो असीं बेनती करनी चाहुंदे आ कि ये डीसी साहब नूं सोच विचार के बयान देने चाहिए आ। इन्हां दा ही मंत्री जो धारीवाल साहब कुलदीप सिंह धारीवाल, उह श्री अकाल तख्त साहब नूं चिट्ठियां लिख रहा कि किसानां नूं किसे ना किसे तरह समझाया जाए, पर अहीं इह गल कहने अहीं मूर्ख थोड़े हाँ, अहीं समझदे हाँ। अहीं नेगा रुख लाए आपदे मोटरां दे रुख लाए आ, सड़कां दे रुख लाए आ, आपदे धियां पुत्तां नूं पाले आ, उन्हां रुखां नूं अहीं साड़ना नहीं चाहुंदे, पर साडी किते ना किते मजबूरी आ। असीं इह गल आंदे आ वी जिहड़ा धारीवाल आ उहदे लोकां नूं समझाउण दी कोशिश कर रिहा, ते डीसी कपूरथला जिहड़ा उह साडे ते परचियां दा ऐलान कर रिहा। वो ये गल कह रहा कि पासपोर्टा दी इनक्वायरियां नहीं हुण दित्तियां जाणगियां, असला लाइसेंस जिहड़े वो रद्द किए जाणगे, फिर फर्दां दे विच रैड जून किए जाणगे। असीं ये गल कहनी चाहुंदे भी ये काम जिहड़ा ये अफसरां नूं वड्डियां अफसरां नूं सगों नहीं सौंदा, इहनां नूं ते सगों लोकां नूं लोकां दे विच आ के ते लोकां नूं समझाउणा चाहीदा, इहो जिहे काम जिहड़े आ इहनां नूं नहीं करने चाहीदे। किसी किसान का परचा आ, किसी किसान नूं परेशानी की थी, ते डीसी कपूरथले दा डीसी कपूरथले दफ्तर जाके भी कराओ करांगे। असीं कदी बर्दाश्त नहीं करांगे साडे किसे किसान मजदूर दा परचा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ते ना ही परचा करन दीआं इह सोचां सोचण। इह ध्यान विच रख लैण, लोग जींदे जागदे आ, जदों लोग जाग पैंदे आ उदों सरकारां पिछे चले जांदियां हुंदियां। अहीं फिर बेनती करदे कपूरथला ते पूरे पंजाब भर दे विच, जे तुसीं
परचे करने की कोशिश की ताड़ा पिंड पिंड विरोध हो ताड़ा करो ताड़े पुतले फूके जाएंगे जिदा अज फूकिया। इस करके डीसी साहब नूं बेनती करते हैं कि तुसी आपके अफसरां नूं इह दे दिओ कि लोगों के नाल रल मिल के रहिए आपां ये ना वो दबकाओ ना कि अहीं परचे कर देंगे अहीं आ कर देंगे कुछ नहीं होना ते ना किसे दा परचा होण देंगे जे परचा करनगे तो फिर इन वड्डी पद्धर ते घराओ करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं शेर सिंह महीवाल जो अज डीसी साहब का पुतला सुल्तानपुर लोधी चौंक दे विच फूकिया गया वा जदों कि असी तत्थां दे आधार दे नाल इस चीज़ का जवाब दे चुके हाँ कि 6-7% वाले दे तुसीं चढ़ चढ़ के आउंदे जो 51% वाले जिहड़े आ कारपोरेट घराने आ उन्हां ते क्यों नहीं नकेल पाउंदे। इसे तरह कल डीसी साहब का एक फरमान आया कि जिहड़ा पराली नूं अग लाऊगा असी उन्होंने पासपोर्ट जोड़े आनकुआरियां डक देंगे असला लाइसेंस दे इनकुआरियां डकेंगे असी खुली चेतावनी देने जो मर्जी तो जो जिथे जी करे जो अभी अग लाने जो मीडिया से बयान देंगे ना अभी डीसी साहब न भी कहने और सरकार ने भी कहने तो तुम उसे खत्या के आयो ता उ घराओ करा जोड़ा तुम किसान मजदूर डरा चाहते जो धमका चाहते जो ना तो दुकाया ना धमकाया जो पंजाब के किसान आ मजदूर आदे भी धमकाए नहीं जाएंगे साडा अग लाना मजबूरी आ अग ही लावे तो यह इदा ही लगेगी जे ते कोई तर्क हैगा तो साढ़े नाल आ खुली टेबल से गल करो क्या जो बेतुके बयान देने ये सानू पाते नहीं अज तुहाडा पुतला फूकिया वा तो आने वाले समय से घराओ भी करा तो जेडे प्रशासन उत्थे खत्या जाऊगा असी उन्होंने भी घेरा क्योंकि तुम 7% वाले भाई भाई चढ़ते जो 51% वाले क्यों नहीं चढ़ते कारपोरेट घराने क्यों नहीं डकते। इस करके योजे जोड़े बयान आ डीसी साहब न वापस लेने चाहिए आ और किसान मजदूर जोड़ा वा उन्होंने डरना नहीं चाहिए जो जथेबंदी कहती असं ऐलान किया वा कि भाई साडा अग लाना मजबूरी आ तो भाई तुम अग लाओ जोड़ा आऊगा असं उन्होंने खत्या वेखा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।